वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। पानीपत में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है। बता दें कि एक सरकारी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत महिला ने दूसरे बैंक के मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया है। एक कस्टमर से मिलाने के बहाने महिला मैनेजर को होटल में ले गई और वहां पर मैनेजर के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद महिला और उसके पति ने मैनेजर को फोन कर गलत काम का आरोप लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज कराने की धमकी भी दी। केस दर्ज न कराने की एवज में पति पत्नी ने मिलकर मैनेजर से 20 लाख रुपए की मांग की। इतना ही नहीं, सीआईए करनाल के नाम से मैनेजर को कॉल करवाई गई तो उसने भी केस रफा दफा करने के लिए 20 लाख रुपए मांगे। वहीं पीड़ित बैंक मैनेजर ने मॉडल टाउन पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है तो महिला ने भी महिला पुलिस थाने में दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल इस मामले में महिला के पति और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जानकारी डीएसपी ने दी। देखिए, दो बैंक एम्प्लॉइज हैं, एक महिला और एक पुरुष। उसने महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है महिला थाने में कि इसने मेरे साथ रेप किया, और जो जेंट्स था उसने थाना मॉडल टाउन में एफआईआर दर्ज करवाई है कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये हस्बैंड वाइफ और एक किसी अन्य कथित पुलिस कर्मचारी के साथ मिलके इन्होंने धोखाधड़ी कर इसके ब्लैकमेल करने के लिए 20 लाख रुपए इनसे डिमांड की। तो ये दो एफआईआर हमारे यहाँ पर दर्ज हुई हैं और उसमें दोनों में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मॉडल टाउन थाने में जो इस महिला का हस्बैंड था उसको, और जो एक पुलिस वाला बीच में जो पुलिस वाला बन के इनको कॉल कर रहा था उसको मालटाउन थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है। और दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है थोरोली, और इसमें जिस जिस का भी दोष पाया जाएगा उसको हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें पैसे का लेन देन हो गया था? पैसे का लेन देन अभी नहीं हुआ था, अभी डिमांड चली हुई थी। महिला को भी गिरफ्तार किया? हाँ, वो जो इन्वेस्टिगेशन में मैंने बताया जिस जिस का भी इन्वेस्टिगेशन में फॉल्ट आएगा वो सब गिरफ्तार होगा। जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति मॉडल टाउन स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है। घरौंडा स्थित दूसरे बैंक में एक महिला कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्य करती थी। कर्मचारी उस बैंक के क्रेडिट कार्ड बनवाती थी। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए महिला बैंक मैनेजर से मिलने अक्सर आती जाती थी और वो घरौंडा से पानीपत में पोस्टिंग के बाद भी मैनेजर से मिले ताकि वो अपने जान पहचान वाले लोगों के कार्ड बनवाने में उसकी मदद करे। जानकारी के मुताबिक 1 मई को महिला ने फोन करके बताया कि वो उनसे मिलने बैंक आ रही है। बैंक आने के बाद महिला ने कहा कि एक कस्टमर से मिलने उसके घर जाना है, लेकिन वो मैनेजर को एक होटल में ले गई और बोली कि कस्टमर यहीं आ रहा है। आरोप है कि कुछ देर बाद महिला ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। वो घबरा कर कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद महिला भी बाहर आई और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। शाम को ही महिला का फोन आया और बोली कि उनके गलत काम का उनके पति को पता लग गया है। फिर महिला ने अपने पति की बात मैनेजर से कराई। पति ने पहले तो उनके खिलाफ केस दर्ज कराने की धमकी दी और फिर 20 लाख रुपए की मांग की। मैनेजर ने रुपए देने से मना कर दिया। 3 मई को मैनेजर के पास कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को सीआईए करनाल का सुनील बताया और केस निपटाने के लिए 20 लाख रुपए मांगे। अब पीड़ित ने महिला, उसके पति और सुनील के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ESM कूलर, कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812214। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग।